इंडोनेशिया, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरी इंडोनेशिया भी कहा जाता है, जनूब मशरकी एशिया और ओशनिया में हिंद और बहरुल्काल के समंदरों के दरमियान वाक़ एक मुल्क है। ये 17,000 से ज़्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसमें सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और बोर्नियो के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इंडोनेशिया 19,04,569 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरे वाला मुल्क और 14वां सबसे बड़ा मुल्क है। 279 मिलियन से ज़्यादा आबादी के साथ इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क और सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम अक्षरती मुल्क भी कहलाता है। जावा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जज़ीरा, जिसमें मुल्क की निस्ब से ज़्यादा आबादी का घर भी कहलाता है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के रेलवे के बारे में। इंडोनेशिया की रेलवे को ज़्यादातर जावा कंट्रोल करती है, जो मुसाफरों और माल बर्दारी दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। सुमात्रा में 3 गैर मुसलसल रेलवे नेटवर्क्स, जिसे शुमाली नेट सुमात्रा, मगरबी सुमात्रा, जनूबी सुमात्रा और लैम्पिंग, जबकि 2 नए नेटवर्क्स सुलावेसी भी तैयार किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया ने हाल ही में एक कौमी रेलवे नेटवर्क के लिए अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दी है। मंसूबे के मुताबिक 3200 किलोमीटर ट्रेन की पटरियाँ, जो सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, कालिमतान के जजीरों से गुजरेंगी। इसे 1945 में डच से आज़ादी के बाद से इंडोनेशिया का सबसे वसी रेलवे प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है। इंडोनेशिया ने 2030 तक कौमी रेलवे नेटवर्क को 10,524 किलोमीटर तक फैलाने का हदफ रखा है, जबकि सितंबर 2022 तक नेटवर्क 7,032 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शहरी रेलवे जावा के तमाम सूबों और मेट्रोपॉलिटन इलाकों में मुसाफिर रेल की शक्ल में मौजूद है, खास तौर पर जकार्ता, नेज, मैदान और शुमाली सुमात्रा में। फ़िलहाल के लिए रेल ट्रांजिट सिस्टम जकार्ता, पालिमिंग और जनूबी सुमात्रा में मुतारिफ कराया जा रहा है। इंडोनेशिया में सड़कों पर बाएं हाथ चलाने के बावजूद ज़्यादातर रेलवे लाइनें डच बैराज की वजह से दाएं हाथ से दौड़ती हैं। इंडोनेशिया में पहली रेलवे लाइन 1867 में खोली गई थी और इसे बतरीब तौर पर मियारी गेज साइज़ में बिछाया गया था। रेलवे को रियासती और निजी कंपनियों दोनों ने बतदरीज बढ़ाया। जापानी कब्जे और इंडोनेशियन की जंग आज़ादी ने इंडोनेशिया की रेलवे को ख़राब हालत में छोड़ दिया, जबकि 1950 में 100 भाप के इंजनों का एक बैच मंगवाया गया और डिजलेशन का आगाज 1953 में हुआ। आज़ादी के दौर से इंडोनेशिया में तमाम मेन लाइन रेलवे का इंतज़ाम रियासत के ज़ेर इंतज़ाम रहा। प्राइवेट रेलवे के मालकान को पहले मुआवजा दिया गया, लेकिन 1971 में इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कौमी में ले लिया गया। नई रेलवे लाइनों की तामीर बहुत कम है और ज़्यादातर नई तामीर मौजूदा रेलवे लाइनों की डबल और क्वाड ट्रैकिंग पर मरकूज़ है। ज़्यादातर साबका ट्रामवे लाइनें बंद कर दी गई हैं, जिससे माइलें तकरीबन 7,000 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 3,000 किलोमीटर रह गए। इंडोनेशिया के पास मुख्तलिफ़ किस्म के इंजन थे और अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं, जो कि बहुत सी मुख्तलिफ़ कंपनियों की मीरास है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 5 भाप वाले इंजन ही काबिल अमल हालत में बाकी रह गए हैं, जिनमें से 2 अंबारवा रेलवे म्यूज़ियम में मौजूद हैं, जबकि 2 जलदार यानी कि घूमने फिर टूरिज़म ट्रेन के साथ लगे हुए हैं। अब अगर बात करें इंडोनेशिया की तेज़ रफ्तार ट्रेन के बारे में, तो इंडोनेशिया मुल्क के 2 सबसे बड़े शहरों जकार्ता और बांडविंग के दरमियान एक ही तेज़ रफ्तार रेल सर्विस चलाता है। होश ट्रेन, जिसे इंडोनेशिया की तेज़ रफ्तार ट्रेन होने का एजाज़ भी हासिल है, होश जनूबी मशरकी एशिया और जनूबी निश्कुरा में पहली तेज़ रफ्तार रेलवे है, जो 350 किलोमीटर फी घंटा की ऑपरेटिंग रफ्तार के साथ फासला तय करती है, जो इसे दुनिया का दूसरा तेज तरीन तजारती तौर पर चलने वाला रेल नेटवर्क बनाता है। दोनों शहरों के दरमियान सफ़र का वक्त यानी कि औसतन वक्त तकरीबन 45 मिनट है, जो कि इस ट्रेन के चलने से पहले तकरीबन 3 घंटे का होता था। होश ट्रेन की तामीर पर 7.3 बिलियन लागत आई है, यानी ये तकरीबन 7.3 बिलियन यूएस डॉलर बनते हैं। लाइन ने 7 दिसंबर 2023 को मुसाफरों के साथ आजमाइशी ऑपरेशन शुरू किया और तकरीबन 17 अक्टूबर 2023 को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। होश हाई स्पीड ट्रेन ने 17 अक्टूबर से 25 दिसंबर 2023 तक 2 माह के तजारती ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 10 लाख मुसाफरों की खिदमत की। इंडोनेशिया में हाई स्पीड रेल HSR के तस्वीरात पर पहली बार जिंदगी से 2008 में गौर किया गया, जिसके नतीजे में 2013 में एशियन इन्वेस्टमेंट समिट में बातचीत हुई और 2015 में तफसीली मनसूबे मुरतब किए गए। जकार्ता बाउंडिंग HRS
یعنی کہ ایچ ایس آر کی تعمیر شروع کرنے کا منصوبے کا اعلان انڈونیشیا کی حکومت نے 2015 میں شروع کیا تھا، جبکہ چینی صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں کے باؤنڈنگ کانفرنس کے دوران اس کا فیصلہ کیا گیا۔ جاپان اور چین دونوں نے انڈونیشیا میں تیز رفتار ریل منصوبوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب اگر بات کریں انڈونیشین ریلوے سٹرکچر کے بارے میں، تو ریلوے کا 11 سے 13% حصہ سرنگوں یعنی کہ ٹنل سیکشن پر مشتمل ہے، جبکہ 38% وایا ڈکٹ پر مشتمل ہے، اور ٹنل 6 جو کہ سب سے لمبی سرنگ بھی ہے۔ جکارتا باؤنڈنگ ہائی اسپیڈ ریل اس کی لمبائی تقریباً 4478 میٹر بنتی ہے۔ حلیم ریلوے اسٹیشن ریلوے کا سب سے بڑا اسٹیشن موجود ہے، جبکہ مشرقی جکارتا میں مکاسر میں واقع اور 6 ٹریک لائنوں کے ساتھ 3 پلیٹ فارم پر مشتمل یہ سب سے بڑا اسٹیشن ہے۔ اس اسٹیشن کا کل رقبہ تقریباً 78,315 مربع میٹر ہے۔ ریلوے کو ڈبل ٹریک پر بنایا گیا ہے اور برقی کاری بھی کی گئی ہے۔ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کے لیے موزے ہیں، جس سے انڈونیشیا دنیا کا تیز ترین ریلوے نیٹورک والا دوسرا ملک کہلاتا ہے، جو تجارتی طور پر چین کے برابر کام کرتا ہے۔ 2023 میں انڈونیشیا اور چینی حکام نے جاوا میں جزیرے میں ریلوے کی توسیع کے لیے مزید منصوبے پر کام شروع کیا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ فیز 2 مکمل ہونے کے بعد جکارتا اور سورا بایا کے درمیان سفر کا وقت 13 گھنٹے سے کم ہو کر تقریباً 3.5 گھنٹے رہ جائے گا۔ انڈونیشیا کی سب سے تیز رفتار اور بلٹ ٹرین کی بات کی جائے، یعنی کہ اس کی خصوصیات کی بات کی جائے، تو یہ ٹرین مغربی جاوا کے صوبائی دارالحکومت اور مشہور سیاحتی مقام جکارتا اور بنوئنگ کے درمیان تقریباً 140 کلومیٹر کے درمیان چلتی ہے۔ پورے راستے میں 4 اسٹیشن ہیں، جن کا زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رہتی ہے۔ تیز رفتار ٹرین سے منسلک فیڈرز ٹرین کا استعمال کرتے ہوئے مسافر اب 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں جکارتا سے بنڈوئنگ کے درمیان مرکزی علاقے میں جا سکتے ہیں۔ اس ٹرین میں 8 کاریں یعنی کہ 8 ڈبے موجود ہوتے ہیں، جن میں 601 مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ ٹرین تقریباً 3 کلاسوں کی سیٹیں پیش کرتی ہے۔ ہر ایک ٹرین کی سیٹ دوسری کلاس سے مختلف ہوتی ہے، اگرچہ 1st کلاس اور 2nd کلاس سیٹوں کے لیے کرایوں کا بھی اعلان ہونا باقی ہے۔ فی الحال اس ٹرین کا کرایہ 19.40 US ڈالر بنتا ہے۔ 1st کلاس میں زیادہ تر کشادہ ہوتی ہے، جس میں سامان رکھنے اور ایک فوٹ ریسٹ ہوگا۔ ٹرین میں وائی فائی اور USB چارجنگ کے لیے خدمات بھی مسافروں کو پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر VIP سیٹیں بھی موجود ہیں، جن کا تخمینہ تقریباً 50.54 ڈالر کے قریب لاگت آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے آگے شیئر کریں، تاکہ نئی آنے والی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔